अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क खुशबू के अगली किस्म में आप देखेंगे साहिल और खुशबू की खुफिया मुलाकातें ज़्यादा बार बार होने लगी। इनकी मोहब्बत बहार के बाग की तरह खुलने लगी। वो चुपे कोनों में मिलते, मीठे अल्फाज और हंसी का तबादला करते। साहिल ने खुशबू का तारुफ अपने दोस्तों अली और नताशा से कराया, जिन्होंने उसे दिल से खुशामदीद कहा। जब वो ज़्यादा वक्त साथ गुजारने लगे तो साहिल को एहसास हुआ कि वो अपने जज्बात को और छुपा नहीं सकता। उसने खुशबू के खूबसूरत बाग में ले गया। दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। खुलते फूलों के नीचे उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इसके अल्फाज दरिया की तरह बह रहे थे। खुशबू के दिल धड़कने लगा। वो भी ऐसा ही महसूस करती थी, लेकिन खौफ और समाजी तवक्कुआत उसे रोक रहा था। उसने साहिल की आंखों में देखा। उसकी आवाज़ बमुश्किल सरगोशी से ऊपर थी। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ साहिल। इनके होंठ एक नरम मगर पुरजोश बोसे में मिले, जिसे इनके इर्द गिर्द की दुनिया पिघल गई हो। उन्हें मालूम था कि इनकी मोहब्बत ममनू है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं सकते थे। वो अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। इधर बासित अली खुशबू के वालिद उसके बार बार गायब होने पर शक में पड़ गए। उन्होंने उसे मुख्तलिफ समाजी तबके के किसी मोहब्बत करने के खतरात से आगाह किया, लेकिन खुशबू का दिल सुनने को तैयार न था। जब किस्त ख़त्म होती है, साहिल और खुशबू की मोहब्बत मजबूत होती जा रही है, लेकिन आगे की राह नाकाबिल उबूर लगती है कि इनकी मोहब्बत इन चैलेंजेस को पार कर पाएगी या वो सहरा में फूलों की तरह मर जाएगी। व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क खुशबू के अगली किस्म में आप देखेंगे साहिल और खुशबू की खुफिया मुलाकातें ज़्यादा बार